मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सब सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैं कर रही थी फ़ोन पर भी एडिटिंग, और एडिटिंग करते हुए मैंने देवकी मैडम का मैसेज देखा, ग्रुप बनाया हुआ मैडम ने, तो उसमें मैसेज डालते रहते हैं मैडम, कोई भी सिलेबस होता है या डेट शीट वगैरह कुछ भी, तो मैडम इन्फॉर्मेशन उसमें डालते रहते हैं। तो अभी मैंने जस्ट मैसेज देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरे देवी का भी नाम आया है हर सैटरडे, क्योंकि उसके स्कूल में टेस्ट होता है। तो कल देवी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने तब भी उसको आज भेजा, अच्छा होगा टेस्ट में पता लग जाएगा कितना उसको आता है अच्छे से नहीं आता, तो मैंने उसको भेजा। जैसे ही मैसेज देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मैडम ने फ़ोटो भेजी है, शाइनिंग स्टार में उसका नाम आया हुआ है, मैडम ने आज उसको कुछ गिफ्ट भी दिया है, शायद पेंसिल और रबड़, मैंने फ़ोटो में देखा है अभी। तो अभी ये दादी लेकर आ ही गई है दोनों बच्चों को, ये मेरे दोनों बच्चे इधर आ चुके हैं। मेरे दैविक को क्या मिला आज? टेस्ट अच्छा किया आपने? नहीं, एक बच गया। एक बचा था बस, बाकी अच्छा किया था। ये देखो इसको ये गिफ्ट मिला है, थैंक यू बोला मैम को। फोटो भी खिंचाई, फोटो खींची है मम्मी ने, देख ली इसके पापा को मैंने फोटो भेज दी, और मतलब खुशी होती है बच्चे ना, मतलब अब छोटा है अभी कुछ भी करता है, कुछ इनको मिलता है। टेस्ट में इसने अच्छा लिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज, क्योंकि अब एग्जाम भी आने वाले हैं, अच्छा है बच्चा अच्छा लिखेगा तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चा सही नंबर लेके आएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा थोड़ा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी खुशी को। तो और अभी देविक के पापा का भी फ़ोन आ रहा था, क्योंकि उनको पता है बच्चों का टाइम हो गया, तो उनको देविक से बात करनी है, तो अब मैं देविक को बात करा देती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे, मतलब आगे ब्लॉग में बने रहना। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा वैदिक सब का सो चुका है खाना खा के। ये देखो दोस्तों मेरे दैविक के काम, इसने गुड नाइट में इसने लगाई है कॉटन लगाई हुई है, मंदिर से इसने कॉटन ली और उसके अंदर कॉटन लगा दी, मतलब बच्चों के ऊपर ध्यान ना दो ना तो ऐसे उल्टे काम करते हैं। हटा देती हूँ, अब दादी को परेशान करने गया उस कमरे में। ये देखो यहाँ पे कैसे तंग करने लगा हुआ है, यहाँ पे सारे में कूदेगा, एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाएगा टीवी के पास। चल उस कमरे में चल, चल जल्दी, देख लो कितना शैतान है ये, नहीं जाना छत पे भी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, देख लो दोस्तों कितना गंदा बच्चा है ये मेरा, ये देखो ये देखो ये क्या हो रहा है, किसी का बर्थडे नहीं है कुछ नहीं है, और बलून आए इन बच्चों के लिए, कितनी बार लाके ऐसे खराब करते हैं बलून, और रो रहा था बंच वाले बलून चाहिए, इसके पापा ने मंगाए हुए हैं इसलिए वो नहीं लाए, ये वाले बलून लेके आए हैं। ये बलून तो हार्ट वाले हैं, हार्ट वाले बलून हैं। हाँ। अच्छे लग रहे हैं? हाँ, सही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। इसमें तो लड़े बलून भी है। हाँ। इसमें तो दो दो लड़े बलून। हाँ? दो दो पिन, दो दो लड़े, दो दो चार चार येलो, और दो तीन तीन भी। अच्छा। और दो पर्पल। हाँ। और दो तीन वाइट। हाँ। सही से देखो, तीन नहीं है वाइट। पर्पल। और हाँ। वाइट इसमें फाइव है, मम्मी को तो फाइव दिख रहे हैं। इसको तो इसको फोर को फाड़ के देखना है मुझे। स्लाइड में कितने बलून हैं? कैपिटल लव कैसे होता है?
कैपिटल लग गया दादा। मैं कैसे छोडूंगी दो चार। अच्छा स्मॉल एम कैसे होगा? अच्छा मुझे स्मॉल एम बताओ। रुको अभी बताता हूं कैसे लिखते हैं। बताओ ना। हां ऐसे थैंक यू। अरे अरे सर राइट से लेफ्ट से सपोर्ट करो। ऐसे बनते हैं? नहीं बाबा नहीं करना। कैपिटल ये ऐसे बनता है। हां गुड बाय। ये कैपिटल ये करना है। कॉपी चेक करो, चेक करो, वो दिखा रहा है कैसे लिखता है वो एफ। वो एफ कैपिटल है ठीक है। उसमें कैसे होता है? ऐसे होता है ये कैसे? वो लाइट होता है ऐसे होता है। अरे नहीं होता है। होता है ये ऐसे कैपिटल। कैपिटल एफ कैसे होता है? ये ऐसे होता है। स्मॉल एफ कैसे होता है? स्मॉल एफ ऐसे होता है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा दैविक को कैसे दादा को बताया कि कैसे कर्सिव एफ लिखा जाता है, क्योंकि दादा को नहीं पता था कि एफ ऐसे भी लिखते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को बताया जाता है बच्चे वैसा ही सीखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जो उनको सिखाया जाता है शुरू से, तो बच्चे कहते हैं हमें वही आता है तो वही तुम्हें भी बताएं, तो वही चीज़ है। तो दैविक परेशान हो गया और दादा को बोलने लगा नहीं दादा ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, कर्सिव एफ ऐसे ही बनता है और ये कैपिटल एफ होता है। हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों मेरे दैविक की शैतानियाँ और समझदारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।